गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर और फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, इनमें संबंध निकालना है। तो पहले तो एक दर्पण हम बना लें, यह है इसका मुख्य अक्ष, ये हो गई पॉलिश, दर्पण का नाम हमने रख दिया M1 M2। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। AB कोई आपतित किरण है। अब आपको पता है कि समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी। सी से ये अविलंब हमने इस पर डाल दिया, बिंदु सी से बी पर। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। AB कोई आपतित किरण है जो B पर आपतित होकर फोकस से वापस जा रही है और बिंदु C से B पर डाला गया अभिलंब BC है। चिन्ह परिपाटी से क्या क्या चाहिए हमको? सिर्फ दो दूरियां चाहिए, एक R चाहिए और एक F चाहिए, बस। चिन्ह परिपाटी से दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक है? P से लेकर C तक। R किधर है? इधर है, तो माइनस में होगी। फोकस भी इधर है, ये भी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का R और दर्पण की फोकस दूरी कहां से कहां तक? P से लेकर F तक। PF ये भी हो जाएगा माइनस का F। एक एकांतर कोण वाला नियम और दूसरा परावर्तन वाला नियम, ये दोनों नियम यहां पे लगाने, समझो कहां पे लगेंगे। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो ये दोनों जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे कि कोण ABC, कोण ABC बराबर किसके हैं? कोण CBF के बराबर है कोण। ठीक, इसको मान लो समीकरण एक। क्यों बराबर है? परावर्तन के नियम से। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक, कैसी हैं? समांतर। और ये एक तिरछी रेखा आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से। आई बात समझ में? ये दोनों समांतर रेखाएं, ये एक तिरछी रेखा BC वाली, तो इनके ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब देखो कौन कौन? ABC, कोण ABC बराबर किसके होगा? BCF के, यानी ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए बराबर, और ये दोनों परावर्तन के नियम से, ये आपतन कोण है ये परावर्तन कोण, इसलिए बराबर। इसका नाम क्या होगा? समीकरण दो। ये इसलिए बराबर है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। इस समीकरण में भी यहां कोण ABC है और दूसरे समीकरण में भी कोण ABC है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। जैसे यहां दो और दो बराबर हैं तो X और Y बराबर हो गए, इसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर होंगे। समीकरण
एक व दो से क्या मिलेगा हमको, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ। ठीक, इसको मान लो समीकरण तीन, ये है बी एफ सी। देखो सी बी एफ ये वाला कोण, ठीक, और बी सी एफ ये वाला। तो अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो दोनों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। आई बात समझ में, ये दोनों कोण बराबर मिले हमको तो इनकी संगत भुजाएं यानी कि एफ बी बराबर होगा सी एफ के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी बी एफ, सी बी एफ यानी एफ बी, इसके संगत भुजा कौन सी है एफ बी, और बी सी एफ इसके संगत भुजा सी एफ। अब इसको तीन ना मान के इसको मान लो, बात वही है। तो ये रिजल्ट हमको मिला कि एफ बी बराबर है सी एफ के, कोई दिक्कत, एफ बी बराबर है सी एफ के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ध्यान से देखो सी एफ का तो यूज हम कर सकते हैं क्योंकि सी एफ यहां पर है, मुख्य अक्ष पर है, यानी ये दूरी हम माप सकते हैं, लेकिन एफ बी को हम क्या करेंगे, एफ बी हमें प्रॉब्लम कर रहा है, एफ बी को हम मापेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, इस बिंदु को हम इसके पास में मान लें। देखो मान लिया कि ये वाला जो बिंदु है कौन सा बिंदु, बी मान लो यहाँ पर है, ठीक, और ये कौन सा है एफ। अब देखो ये वाला बिंदु जितने पास में होगा पी के, मान लिया बिंदु बी बिंदु पी के पास में यहाँ आ गया, तो ये वाली दूरी लगभग इसके बराबर हो जाएगी, ठीक, और ये पास में चला जाए यहाँ तो ये और इसके बराबर, लगभग जितने ज़्यादा ये पास में होगा ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में, अगर हम बिंदु बी को पी के निकट मान लें तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, तो ये इतना हम अपनी तरफ से मान लेंगे। नीचे दिख रहा है, माना बिंदु बी किसके, बिंदु पी के निकट है, ठीक। अब जब निकट है तो क्या होगा, निकट होगा तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के, इसलिए एफ बी बराबर हो जाएगा पी एफ। आई बात समझ में, अब एफ बी का मान हम रख देंगे समीकरण तीन में, बस हमारी समस्या खत्म। एफ बी का मान समीकरण तीन में रखने पर तो एफ बी की जगह क्या आ जाएगा पी एफ, तो अब हो गया पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। अब इनको ध्यान से देखो, पी एफ कहाँ है ये, और पी एफ हमने पहले से मान रखा है, पी एफ हो जाएगा स्मॉल एफ के बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी एफ का मान हम आराम से रख सकते हैं। सी एफ को ध्यान से देखो, सी एफ है ये वाली दूरी, तो इसको मापने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मापना है, तो सी एफ को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, समझ गए। पी एफ तो हम लिख सकते हैं क्योंकि पी एफ का मान है हमारे पास एफ, लेकिन सी एफ का मान नहीं है तो सी एफ को भी हम चेंज करेंगे किसमें, पी में चेंज करेंगे, जिससे कि पी से हम दूरी माप सकें। तो सी एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी सी माइनस पी एफ, तो सी एफ की जगह पर पी सी माइनस, कोई दिक्कत। अब पी एफ और पी एफ एक साइड में चले जाएंगे तो हो जाएगा पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, यानी पी सी बराबर टू पी एफ। अब पी सी का भी मान आपके पास है और पी एफ का भी है,
पीसी का मान है माइनस आर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर, और 2 इंटू पीएफ का मान माइनस एफ, तो हो गया माइनस एफ, तो माइनस आर बराबर माइनस 2f, माइनस माइनस कैंसिल, आर बराबर ये आ गया। अतः गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दो गुनी होती है।